एक अनुमान है कि दुनिया में 4000 से ज्यादा धर्म हैं। कोई ईश्वर में विश्वास रखता है, कुछ लोग नास्तिक होते हैं। किसी धर्म में एक शक्ति को ही ईश्वर माना गया है। किसी धर्म में पेड़ पौधे पशुओं की भी पूजा की जाती है। मोहम्मद पैगंबर को इस्लाम का जनक माना जाता है। यीशु मसीह को ईसाई धर्म का जनक माना जाता है। भगवान बुद्ध से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई, लेकिन आज तक ये बहस का विषय है कि हिंदू धर्म की शुरुआत किसने और कब की। कहा जाता है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। इतिहास में ये भी लिखा गया है कि सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। लेकिन एक तथ्य से सभी सहमत हैं कि सनातन दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। इसे वैदिक धर्म भी कहा गया, जो ईसा मसीह से करीब 20,000 साल पहले अस्तित्व में आया था। पौराणिक काल से ब्रह्मांड को समझने वाले ज्योतिष और भविष्यवक्ताओं को हिंदू धर्म के विषय में पहले से जानकारी थी। इसलिए अंग्रेजी हो या पर्सियन, यहूदी या यजीदी, हर धर्म के विख्यात भविष्यवक्ताओं ने अपने विवरण में सनातन धर्म का जिक्र जरूर किया है, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि हिंदू धर्म पौराणिक है और ब्रह्मांड का भविष्य भी हिंदू ही तय करेगा। नास्त्रेदमस समेत बड़े भविष्यवक्ताओं ने उल्लेख किया है कि अगली शताब्दी में पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का आधिपत्य होने वाला है। ये बातें कोई कल्पना नहीं है, इसके पीछे गहन अध्ययन किया गया है। तथ्यों के आधार पर इन विवरण को पन्नों में दर्ज किया गया। इसमें सबसे विश्वसनीय दावा हॉलैंड के पीटर हरकॉस ने किया है। पीटर हरकॉस का जन्म 21 मई 1911 को हॉलैंड के डॉर्ड्रेक्ट में हुआ था। एक हादसे में पीटर का पैर फिसला और वो 50 फीट नीचे गिरे। चोट इतनी गहरी थी कि पीटर 6 दिन कोमा में रहे। जब उन्हें होश आया तो उनकी याददाश्त जा चुकी थी। डॉक्टरों ने बताया कि कुछ दिन के इलाज के बाद शायद वो ठीक हो जाएं। इसी दौरान पीटर के बेड के बगल में एक मरीज ठीक होकर लौट रहा था। पीटर ने जैसे ही उस मरीज से हाथ मिलाया, उनकी जिंदगी बदल गई। उन्हें वो चीजें महसूस होने लगी जो किसी को भी हैरत में डाल सकती थी। जिस तरह महाभारत में संजय महल में बैठकर ही कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध का आंखों देखा हाल बता सकते थे, ठीक उसी तरह पीटर के अंदर भी एक दैवीय शक्ति आ गई थी। पहले तो उनकी बात पर किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग कर आसपास रहने वाले लोगों की और यहां तक कि पुलिस की भी मदद की। धीरे धीरे पीटर हॉलैंड समेत पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। अपनी शक्ति के आधार पर ही उन्होंने दुनिया के कई देशों के बारे में सटीक भविष्यवाणी की थी। अपने अनुभव और आकलन को पीटर ने द साइकिक वर्ल्ड ऑफ पीटर हरकॉस नाम की किताब में साझा किया है। पीटर ने अपनी किताब में हिंदू धर्म के बारे में ऐसी बातें लिखी हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। उन्होंने लिखा है कि भारत में आध्यात्मिकता और धार्मिकता की एक लहर उठेगी और ये पूरे विश्व में छा जाएगी। हिंदू बहुल भारतवर्ष पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाला देश बनेगा। मूल सनातन हिंदुत्व का पूरी दुनिया में डंका बजेगा, जो अपनी शांति और आध्यात्मिक शक्तियों से दुनिया का गुरु बनेगा। भारत में बहुसंख्यक आध्यात्मिक लोगों के प्रभाव और शक्ति से दहशतगर्द समूहों को पराजित होना पड़ेगा और भारत पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र में बदल जाएगा। उनकी भविष्यवाणी की माने तो भारत में मुस्लिम दहशतगर्दों और हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों का पूरा जवाब मिलेगा। ठीक इसी तरह स्पीकिंग ट्री के अनुसार नास्त्रेदमस ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले समय में रूस में हिंदू अनुयायियों की संख्या सबसे ज्यादा होगी, जिसका प्रभाव वहां की साम्यवादी सरकार पर भी दिखेगा। रूस में एक ऐसा वक्त आएगा कि वहां के नागरिक साम्यवाद को त्याग देंगे और हिंदुत्व को अपनाएंगे। वर्तमान में रूस के कई शहरों में इसका प्रमाण देखा जा सकता है। भविष्यवाणी का अगला भाग तो और भी हैरान करने वाला है। इसमें बताया गया है कि मुगलों,
मंगोल मुस्लिम आक्रांताओं के हमले झेल चुके भारतवर्ष में एक शक्तिशाली हिंदू सेना का उदय होने वाला है। हिंदुओं की विशाल सेना पाकिस्तान सऊदी अरब को रौंदते हुए खाड़ी देशों के पार पहुंच जाएगी और कॉकस की पहाड़ियों के पास रूस की सेना और भारत की सेना का मिलन होगा। वहां से काला सागर को पार कर हिंदुओं का प्रभुत्व पूरे यूरोप तक पहुंच जाएगा। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, क्योंकि नास्त्रेदमस ने यह भी बताया कि भारत की सेना उनके देश फ्रांस तक पहुंचेगी। जिस तरह मुगल मंगोल और सिकंदर ने हिंदू कुश की बर्फीली पहाड़ियों को लांघकर भारत पर आक्रमण किया था, आने वाली शताब्दी में भारत की सेना उन देशों पर अपना आधिपत्य जमाएगी। सनातन का प्रभुत्व सिर्फ शक्ति और बल के आधार पर नहीं होगा। दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग अपनी इच्छा से हिंदू धर्म को अपनाएंगे। सनातन विचार और संस्कृति से दुनिया में लोग बहुत प्रभावित रहे हैं। इसके शांति और अहिंसा जैसे तत्वों को दुनिया भर में अपनाने वाले लोगों की संख्या अब करोड़ों में पहुंच चुकी है। अमेरिकन थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने अलग अलग धर्मों पर एक शोध किया, जिसमें चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आई। साल 2015 के शोध में पाया गया कि अगले 4 दशकों में दुनिया की धार्मिक आबादी में बड़ा फेरबदल होगा। प्यू की इस स्टडी में पाया गया है कि साल 2050 में दुनिया की कुल आबादी का करीब 15% हिस्सा सनातन धर्म मानने वालों का होगा। इसके साथ ही श्रीलंका, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा जैसे देशों में हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा होने वाली है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सामने आया इंडोनेशिया से। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया के संस्थापक और राष्ट्रपति सुकर्नो की बेटी सुकमावती ने हाल में ही इस्लाम को त्याग कर हिंदू धर्म अपनाया है। इसी तरह से कई देशों की मशहूर हस्तियों ने भी हिंदू धर्म को अपनाया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब ए प्रॉमिस्ड लैंड में लिखा है कि उनका बचपन रामायण सुनते हुए बीता है। इतिहासकारों के अनुसार अरब की यजीदी, सबाइन, सबा और कुरैश जैसी कई जातियों का प्राचीन धर्म हिंदू ही था। मैक्सिको में खुदाई के दौरान गणेश और लक्ष्मी की प्राचीन मूर्तियां पाई गई थी। मैक्सिको शब्द संस्कृत के मक्षिका से आता है। दूसरी ओर स्पेन में हजारों वर्ष पुराना एक मंदिर है, जिस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा अंकित है। एक वक्त था जब भारत की सीमा अफगानिस्तान और हिंदू कुश से लेकर अरुणाचल तक और कश्मीर से लेकर श्रीलंका तक फैली थी। दूसरी ओर अरुणाचल से लेकर इंडोनेशिया मलेशिया तक भारत के धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था। उस वक्त भारतवर्ष कई जनपद में बटा था, जिस पर हिंदू धर्म का प्रभुत्व था। सैकड़ों हजारों वर्ष बीतने के बाद अब हिंदू धर्म की शक्ति एक बार फिर प्रबल हो रही है। दुनिया में भगवा और सनातन का झंडा बुलंद हो रहा है। भारत से अमेरिका तक हर ओर सनातन हिंदू परंपराओं की गूंज सुनाई दे रही है, और वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया पर सनातन धर्म का वर्चस्व होगा और हर हिंदू अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करेगा। यही तो है हिंदू अभिमान। जय सनातन।